हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो मेरी न्यूजीलैंड विस्टर वीजे के रिगार्डिंग रहेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो न्यूजीलैंड के बारे में, जैसे कि न्यूजीलैंड में विस्टर वीज़ा में आना कैसा रहेगा, सही है या नहीं है, और तो और इसमें कितना पैसा लगता है, एक फाइलिंग चार्जेस जो होते हैं कितने होते हैं, और इसमें वहाँ पे आके काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सभी लोगों को बताता हूँ कि मतलब न्यूजीलैंड आपका आने का प्लान है, वेल एंड गुड है, गुड है, अच्छा है, कोई बात नहीं, आप आओ। बट एक आपको बता दूं कि जो न्यूजीलैंड का जो एक जेन्युइन जो रिटर्न है इसका फाइलिंग चार्जेस है, जो इसमें कोई फाइलिंग चार्ज नहीं होता है, इसमें खाली बस वो अपनी मेहनत का खाली ऐसी बस एजेंट जो होते हैं ले लेते हैं, जैसे कि उनके ऊपर डिपेंड करता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 50,000 भी दे रहे हो फाइलिंग चार्ज तो गुड है, लेकिन उससे ऊपर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना लगता नहीं है। और इसमें अबाउट 13,000 की इसकी उसका एम्बेसी फीस है, और बाकी आपका ओवरऑल मिला मनु के जो फाइलिंग अपने वीज़ा आने तक की प्रोसेस होती है वो लगभग आपका ये 65,000 से 70,000 के बीच में होगा, अगर आप 50,000 पे फाइलिंग चार्ज भी दे रहे हो तो। पहली बात तो 50,000 भी नहीं होता है, और अगर आप आपका वीज़ा आता है और उसके बाद आपके जो टिकट वगैरह होती है आपको दोनों साइड की करवानी पड़ती है, जैसे कि आपको आने और जाने की टिकट दोनों साइड की करानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ये शो करना होता है कि हमने मतलब 10-12 दिन की छुट्टी यहाँ पे खाली घूमने आ रहे हैं और उसके बाद हमने वापस जाना है। उसके लिए आपका आपको अपना बिजनेस वगैरह शो करना पड़ेगा या जॉब वगैरह जो भी आपने शो कर रखी है, उससे इनको यह कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ बंदा इसके पास इसका खुद का बिजनेस है, खुद की जॉब है, तो ये डेफिनेटली ये वापस आएगा। तो उससे आपको वीज़ा तो फिलहाल प्रोवाइड कर देंगे वो, क्योंकि आजकल बहुत वीज़े चल रहे हैं, बट इस टाइम तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पहले चल रहे थे और अभी भी फिलहाल कईयों के आ रहे हैं, बट रिफ्यूज़ल भी आ रहे हैं आजकल। और गाइस एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आना तो बढ़िया है, लेकिन आप तभी आओ अगर यहाँ पे आके आपके पास अगर फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका जो है वो स्ट्रांग है। जैसे कि यहाँ पे आके अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो वर्क परमिट में भी मैं बताऊँ आपको यहाँ पे 25-30 लाख से नीचे कोई वर्क परमिट कोई नहीं देगा, ठीक है। 3 साल का वर्क परमिट देंगे लेकिन 25-30 लाख रुपए उनकी डिमांड रहती है, ठीक है। वो भी आपको खेतों वगैरह में काम मिलेगा, जैसे कीवी के उसमें जिनके ऑर्चर्ड होते हैं या उसका स्ट्रॉबेरी हो गया, वहाँ पे आपको वीज़ा मिल सकता है। और उसके बाद अगर आपके पास बैंड स्कोर है, अगर ओवरऑल 5.5 भी है, नॉट लेस देन 5 है, एक मॉड्यूल में 5 भी चलेगा, और उसमें भी आप स्टडी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका फ़ंड वगैरह पूरा $18,000 आपको फ़ंड शो करना पड़ेगा, और उसमें यही मेरे हिसाब से $17,000-18,000 उसमें मतलब 8-9 लाख रुपए इंडिया के फ़ीस भी है, उसकी ईयरली फ़ीस जो जाती है उसमें। आपको आप कोर्स सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप हेल्थ केयर का लो, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टाइम का कोर्स है और उसमें यह है कि आगे लाइफ भी आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, जॉब भी बहुत है, आगे पीआर भी आपको इजीली मिल जाएगी। और अगर आप बैंड स्कोर नहीं बैंड नहीं ला सकते, आपके पास बैंड स्कोर नहीं है और आपके पास फाइनेंशियली भी आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, और इसका एक और ऑप्शन बनता है इसमें कि आप जैसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीज़ा आने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ये भी है कि आपको कैश में जॉब में भी मिल जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे कैश में जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। और अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हो वहाँ पे 2-3 महीने का कैश में जॉब करके आप इजीली अपना फंड्स वगैरह इकट्ठा करके आप वहाँ पे स्टडी भी अप्लाई कर सकते हैं। यह है कि थोड़ा बहुत आपको घर से मंगवाना पड़ेगा पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मंगवाना पड़ेगा, वहाँ से भी मंगवाना पड़ेगा आपको, लेकिन यह है कि आपको थोड़ी हेल्प मांगनी पड़ेगी घर से, जैसे मुश्किल से 3-4 लाख रुपये आपको और मंगवाना पड़ेगा।
उसके बाद गाइस यह अगर आपका ये भी नहीं हो सकता तो फिर आपको ये मैं बताऊं, आजकल ये नेक्स्ट वीक हो सकता है, मतलब ये 20 तारीख से डन है कि मतलब काम चल जाएगा। कैश में जो चलता है ये खेतों वगैरह में काम चलते हैं यहाँ पे कीवी के और सब्जियाँ वगैरह के भी चलते हैं, उसमें आर्ली पे मिलती है आपको ये $15 आई थिंक है, वैसे तो $20 मिलती है कई जगह में, लेकिन यहाँ पे $15 चल रही है हैमिल्टन में, और आपको उसमें 8-10 घंटे काम मिलेगा और डेली काम मिलेगा आपको। जैसे कि आप उसमें ये हो सकता है कि आप जैसे आपका 6 महीने का कंट्री आउट है तो 6 महीने में आप इतना पैसा मतलब कमा सकते हैं कि जितना आपके ऊपर लगा हुआ है वो अर्न कर सकते हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं और 2-4 लाख रुपए में भी ऊपर कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, आप मतलब कितना आपको मिल रहा है, आपके एक्सपेंसेस कैसे, आप यहाँ पे क्या क्या मतलब खा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें, अगर नॉर्मल आप खाना खा रहे हो घर में बना के तो आप इजीली सेव कर सकते हैं, बट अगर आपका डेली वही है कि कभी KFC जा रहे हो, कभी मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, कभी क्या, फिर तो नहीं सेव कर सकते आप। यहाँ पे आके थोड़ा ये चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव भी है। और मेरे यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में मुझे बहुत लोग मिले, जो भाई कुछ पंजाब के थे और कुछ हरियाणा साइड के थे, और वो लोग लगा लो विस्टर वीज़े में भी 15-15, 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए दे के आए हैं यहाँ पे विस्टर वीज़े का, जिसका उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और एक और मेरा फ्रेंड है कोई, मैं फ़िलहाल नाम तो नहीं लूँगा, वो भाई तो समझ ही जाएगा फ़िलहाल वीडियो वॉच करके कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनके मैसेज भी भाई लोगों के कईयों के आया मैसेज, फ़िलहाल उसका भी मैसेज आया था मेरे पास कि उसका न्यूजीलैंड का विस्टर वीज़ा रखा और उसके कोई रिलेटिव ने उसकी फ़ाइल लगाई थी और उसके रिलेटिव ने बोला उसे कि विजिटर वीज़ा 2 टाइप का होता है, एक में हम यहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे विजिटर वीज़ा में वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं होता है, और मैंने वो वाला आपका कर रखा है जो जिसमें वर्क वीज़ा आपका अप्लाई हुआ और उसका उसने आई थिंक 2.5-3 लाख रुपये उससे लिए हैं, 2-2.5 लाख रुपए, और वो उसको भाई को उसने उसका रिलेटिव था जबकि उसको उसने उसके साथ स्कैम किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक वर्क विजिटर वीज़ा एक टाइप का ही होता है कि मतलब जिसमें अगर आपको कोई स्पॉन्सर यहाँ पे आके कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है, और ऐसा कोई वर्क वो नहीं होता कि मतलब जिसमें आके डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट लगा के कि हाँ भाई मुझे वर्क परमिट चाहिए, ऐसे किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसको मतलब ऐसा है उसके साथ स्कैम करके भाई के साथ स्कैम हुआ है, वो चीज़ बहुत बुरी लगी मुझे, वो अपना ही भाई है और मेरा काफ़ी क्लोज है वो भाई, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड जहाँ पे इमिग्रेशन वाले यहाँ पे कईयों को एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं, जैसे वो लगभग 2 लाख के आसपास टिकट हो रही है हमारी, और टिकट पे यहाँ पे जब आप एंट्री करने लगोगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ से वापस आपको इंडिया वापस भेज देंगे, ये भेज भी सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों को भी भेज रहे हैं यहाँ पे, मेरे कई फ्रेंड हैं कई आ रहे थे मेरे पास लेकिन उन सबको वापस कर दिया, भेज दिया यहाँ से, और कईयों का वीज़ा भी रिजेक्ट किया है, लेकिन कईयों का वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया ऐसे ही उनको वापस भेज दिया, लेकिन ये आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाएंगे वहाँ पे वीज़ा कैंसिल किया कुछ भी। ये है ना गाइस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरे हिसाब से ये कि आप एक तरह का मतलब एक जुआ खेल रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई पता नहीं कि यहाँ पे आके आपको काम मिले ना मिले, और मे बी अगर आप काम कर रहे हो यहाँ पे पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो उल्टा केस बन जाएगा, आपको वापस इंडिया भेज देंगे, रिजेक्ट कर देंगे आपका वीज़ा, और ऊपर से अगर आपको क्या पता एंट्री ना मिले फिर भी आपके जो पीछे आप पैसे लगा दिए आपने वीज़े में लगवा दिए, और ऊपर से जो आपके टिकट वगैरह थी वो हो गया और आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, ये सब मिला के आपका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, ये एक तरह का जुआ है। और अगर यहाँ पे आपकी एंट्री होती भी है तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, वो पैसे नहीं है कि मतलब यहाँ पे आप पैसे दे के वीज़ा वर्क वीज़ा ले सकते हो, वैसा अगर आपके फाइनेंशली स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे आके आपके साथ ऐसा ही होगा कि यहाँ आपका वही कंफ्यूज हो जाओगे और आप यही बोलोगे हर किसी को कि आई एम इन लव एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैरी विद हर बट आई डोंट नो वॉट हु शी, बस वही रहेगा आपका कि मतलब मैं किसी के साथ प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी भी करवाना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन है क्योंकि मुझे वीज़ा चाहिए, ठीक है। बस वही है, बाकी जो भी आ रहे हो अपने हिसाब से आना, बढ़िया है, आपने फॉरेन आने का आपका सपना है तो वो तो फिलहाल हर बहुतों का होता है, मेरा भी सपना था यहाँ पे आने का और मैं भी पहुँच गया हूँ फिलहाल,
अब देखते हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा मेरा भी नहीं बना है कि वर्क वीजे गया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है मेरा भी। और लेकिन बस ये आई प्रे टू गॉड, अगर आप आ रहे हो तो आपका बढ़िया हो, आपको ये वीज़ा मिल जाए, हमें इतने में खुशी हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही था, बाकी जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा ये कि ये वीडियो देखने के बाद कईयों को नॉलेज मिल जाएगी कि मतलब हमें कैसा फाइल अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। तो केयरफुली रहिएगा, स्कैम से बचो, और पहली बात वर्क परमिट में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि वर्क परमिट में यहाँ पे आके लोग स्कैम कर रहे हैं, यहाँ पे आके लोगों को वर्क परमिट नहीं मिल रहे हैं कि मतलब वर्क परमिट इंडिया से तो मिल जाएगा, यहाँ पे आके जहाँ पे आपको वर्क परमिट मिला होगा ना वहाँ पे आपको जॉब ही नहीं देंगे, कहेंगे हमारे पास जॉब ही नहीं है। तो उसमें 15-20 लाख रुपए देके आप फालतू में आओगे, तो बेटर यही रहेगा कि आपका घूमने का अगर है तो विजिटर वीज़े में आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। बट ये है कि ये 100% शॉर्टिंग में मत आना कि आप यहाँ से अर्न करके जाओगे, और मतलब इतना ही मैं बोलूँगा आपको, बाकी आप लोग सब समझदार ही हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वॉच करने के लिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज़।